Hello children, today we have come to the last lesson of the Gulmohar book of standard 4th, and the lesson name is A Game of Hopscotch. Now this story is written by Swapna Datta. She is a children's writer who has published stories in newspapers and magazines for over 40 years. She also has written many books for young readers and has received several awards for her contribution to children's literature. तो स्वप्ना दत्ता ने इस स्टोरी को लिखा है और ये काफ़ी इनकी कहानियाँ न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में प्रकाशित हुई हैं 40 साल से, और इन्होंने कई छोटे बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, कई अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं इस काम के लिए. ओके, नाउ लेट अस कम टू द लेसन, द गेम ऑफ हॉपस्कॉच. नाउ व्हाट इज हॉपस्कॉच? हॉपस्कॉच एक गेम होता है छोटा, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ज़मीन पे खाने बना कर करके, या उसमें गोटिक या फिर छोटी सी कोई बिल्कुल प्लेन पत्थर डाल करके उसमें प्ले करते हैं और एक पैर पे उछलते हैं. दैट इज़ हॉप स्कॉच. हॉप मीन्स एक पैर पे उछल कर खेलना. सो देखते हैं इस गेम ऑफ हॉप स्कॉच में क्या होता है. नाउ दिस इज़ अ प्ले. सो द कैरेक्टर्स इसमें क्या क्या हैं? पात्र टिंकू, मेरी, शैडो, पारो. टिंकू इज़ अ लिटिल गर्ल हु लिव्स इन अ रिमोट कॉटेज इन दुलाई ताल विथ हर पेरेंट्स एंड हर कज़न पारो. वन डे वाइल वंडरिंग अक्रॉस द हिल्स शी मीट्स मेरी, अ गर्ल ऑफ हर एज, एंड शैडो, हर डॉग. तो टिंकू एक छोटी लड़की है जो कि एक गांव में रहती है, छोटे से कॉटेज में दुलाई ताल में अपने पेरेंट्स के साथ, यानी मम्मी पापा के साथ, और उसकी एक कज़िन भी है साथ में. कज़िन का नाम पारो है. एक दिन यही पहाड़ियों की ओर जाते हुए शी मीट्स मेरी, वो मेरी से उसकी मुलाकात होती है जो कि एक लड़की है उसके बराबर की हम उम्र है, और उसका कुत्ता जिसका नाम है शैडो. दे टॉक एंड प्ले टुगेदर फॉर सम टाइम टिल मेरी लीव्स विथ हर विथ व्हेन शी हियर्स हर फादर्स हॉर्सेस ट्रॉटिंग अप द हिल्स. तो ये बातें करते हुए खेलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसी समय मेरी उनको छोड़ करके चली जाती है. कब? जब वो सुनती है कि उसके पिताजी घोड़े पे सवार रहते हैं, घोड़े की कदमों की छाप, ट्रॉटिंग रास्ते पे घोड़े की, जब घोड़ा चलते हैं तो उनकी आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ सुन कर करके वो अपनी फ्रेंड टिंकू को छोड़कर चली जाती है. अ फ्यू डेज लेटर मेरी हेल्प्स टिंकूज आंट्स फाइंड देयर वे बैक टू देयर कॉटेज. तो कुछ दिन बाद मेरी ने टिंकू की उनकी आंट को हेल्प किया था उनके रास्ते भटक गए थे वापस घर पहुँचाने में. बट लीव्स बिफोर दे एक्चुअली रीच इट. तो लेकिन वो उनको घर तक रास्ता दिखा करके, घर नहीं जा करके वो सीधे चली जाती है. टिंकू इज़ सैड एंड शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड. टिंकू इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपनी दोस्त से नहीं मिल पाया. फ्यू मंथ्स पास बिफोर द टू A few months pass before the two meet again on a day when Tinku is alone at home with Paru. तो कुछ महीने बीत जाते हैं जब अगली बार इनकी मुलाकात होती है, टिंकू की मुलाकात होती है, जब टिंकू अपने उनके मम्मी पापा नहीं होते घर पे, और वो अकेले होती है अपने पारो कज़िन के साथ घर पे. मम्मी पापा दोनों बाहर गए हुए रहते. तो लेट अस सी. टिंकू पुल्स आउट अ टिशू वाइल स्नीजिंग. तो टिंकू के हाथ में एक टिशू होता है. टिशू क्या होता है? एक मुलायम पेपर होता है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल करते हैं. तो
The meaning of tissue over here is a piece of paper used as a handkerchief that can be thrown away after one use. तो टिंकू एक टिश्यू, जब हमें छींक आती है तो जैसे टिश्यू का यूज़ करते हैं, तो टिंकू ने यूज़ किया. दिस awful cold, how long will I be stuck indoors because of this? तो कहती है इस सर्दी की वजह से मैं कितने दिनों तक घर में बंद रहूँगी. She looks outside the window. It is raining and a thick mist is swirling over the hills. Suddenly she hears a voice from behind. तो खिड़की के बाहर देखती है और बारिश हो रही है और एक मिस्ट. Now what is mist? Mist is a light thin cloud hanging low over the ground because of the rain and cold, making it difficult to see very far. तो पहाड़ियों में होता है कि एक पतली सी चादर सी फैल जाती है, चादर सी बादल की, जिसकी वजह से रोशनी कम रहती है. तो मिस्ट वहाँ पे पूरे पहाड़ियों पे था और हटा तो उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ पीछे से आती है. ट्राई सम यूकलिप्टस ऑयल. डैडी सेज इट्स कोल्ड, इट्स वेरी गुड फॉर कोल्ड. तो ये आवाज़ उसे कहती है कि यूकलिप्टस ऑयल ट्राई करो. मेरे डैडी वो कहते हैं ट्राई सम यूकलिप्टस ऑयल. डैडी सेज इट्स वेरी गुड फॉर कोल्ड. तो मेरी वो कह रही है कि यूकलिप्टस ऑयल यूज़ करो, वो सर्दी के लिए बहुत अच्छा होता है. टिंकू जंप्स इन सरप्राइज. शी हैज नॉट हर्ड एनीवन कम इन. शी टर्न्स अराउंड क्विकली टू सी अ फिगर इन एन ओल्ड फैशन रेनकोट. अ लिटिल डॉग स्टैंड्स बाय द फिगर वैगिंग इट्स टेल. तो टिंकू उछल कर देखती है कौन है आश्चर्य से, क्योंकि उसने किसी को आते हुए किसी की आवाज़ नहीं सुनी है. पलट कर देखती है और वहाँ क्या देखती है, एक फिगर है इन एन ओल्ड फैशन ओल्ड रेनकोट. तो जो कि एक पुराने फैशन की रेनकोट पहनी हुई है लिटिल, और एक छोटा सा डॉग उसके बगल में खड़ा है जो कि अपनी पूंछ को हिला रहा है, वैगिंग इट्स टेल. टिंकू एक्साइटेड. मेरी एंड शैडो टू. तो टिंकू खुशी से उछल जाती है, कहती है मेरी तुम हो और शैडो. शैडो कौन है? शैडो उसका डॉग है छोटा सा. हाउ नाइस ऑफ यू टू कम एंड सी मी. कितने अच्छे तुम लोग मुझे देखने के लिए चले आए. आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वर ऑल दिस डेज. और मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से तुम लोग कहाँ हो. मेरी आई वॉज लेड अप विथ फीवर. तो मेरी कहती है आई वॉज लेड अप. लेड अप मतलब क्या होता है? मेड टू स्टे इन बेड स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस. तो घर पर ही थी, क्यों? क्योंकि उसे बुखार था. ओके, now we come to our next page. Shadow curls up before the electric heater while Miri takes off her raincoat. तो Shadow छोटा सा जो कुत्ता है वो जैसे कि उसकी प्रवृत्ति होती है वो वहाँ इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बिल्कुल बैठ गया अपने आप को कर्ल करके गर्माहट पाने के लिए. मेरी और मेरी अपनी रेनकोट उतार कर टांग देती है. मेरी लुक्स एट द कारपेट. माई शूज आर अ लिटिल मडी एंड शेडो हैज़ लेफ्ट मडी पॉ मार्क्स ऑल ओवर द प्लेस. आई एम सो सॉरी, आई होप योर पेरेंट्स वोंट बी क्रॉस. तो हम लोगों ने देखा था कि टिंकू उठ कर देखी थी तो पानी बरस रहा था, तो मेरी कारपेट को देखती है और कहती है कि उसके जूते जो है उसमें मिट्टी लगे हुए हैं और शैडो चूँकि मिट्टी में ये चल कर आए हैं उसके पाँव के निशान, पाँव क्या होता है उसके पंजे का निशान चल के आया तो सभी जगह पे लगा हुआ. आई एम सॉरी कहती है, मुझे माफ़ करना. आई होप योर पेरेंट्स वोंट बी क्रॉस. तो क्रॉस का मतलब होता है अनॉयड. तो देख करके वो परेशान तो नहीं होंगे, इरिटेट तो नहीं होंगे. टिंकू डोंट वरी अबाउट दैट, आई क्लीन इट बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न. टिंकू कहती है इसके लिए फिक्र ना करो, मैं उसे साफ़ कर दूंगी उनके आने के पहले. मेरी देव गॉन टू नैनीताल हैवन डे. मेरी पूछती है वो लोग नैनीताल गए हैं ना. टिंकू सरप्राइज, हाउ डिड यू नो. तो
टिंकू पूछती है आश्चर्य से, तुम्हें कैसे पता मेरी? ओह आई मस्ट हैव हर्ड समवन मेंशन इट व्हाइल वॉकिंग डाउन हिल. तो कह रही हमने किसी को सुना होगा बारियों से नीचे उतरते वक्त. इट इज़ क्वाइट डार्क आउटसाइड मेरी, पुल्स डेंटी लेस एजेड लेस एजेड हैंकरचिफ आउट ऑफ अ पॉकेट, अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस फिल्स द प्लेस. तो मेरी क्या करती है, बाहर काफ़ी अंधकार है, मेरी एक डेंटी, डेंटी मीन्स बहुत ही सुंदर और डेलिकेट प्यारा सा लेस जिसके किनारे पे लगे हुए हो, एजेड मीन्स किनारे पे, हैंकरचिफ निकालती है अपने पॉकेट से और उसमें क्या चीज़ है पड़ा हुआ, यूकेलिप्टस ऑयल. यूकेलिप्टस क्या होता है? यूकेलिप्टस इज़ अ प्लांट काइंड ऑफ ट्री विच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऑयल विच इज़ यूज एज मेडिसिन. तो यूकेलिप्टस यहाँ पे जो है वो सर्दी में काम आता है, उसकी खुशबू सूंघने से सर्दी ठीक होती है. तो वो ये हैंकी निकाल करके मेरी को कहती है, ट्राई स्मेलिंग दिस, इट विल मेक यू फील बेटर. तो इसे इसकी इसे सूंघो, तुम्हें अच्छा लगेगा. टिंकू स्निफिंग द हैंकरचीफ, इट डज स्मेल नाइस, बट हाउ डिड यू गेट इट? मेरी पारो ऑलवेज लॉक्स द डोर. हाउ डिड यू गेट इन? मेरी पारो ऑलवेज लॉक्स द डोर व्हेन मा इज इन देयर. तो टिंकू पूछती है, सूंघती है हैंकरचीफ को, कहती है कि हाँ बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन तुम अंदर कैसे आई? मेरी पारो हमेशा दरवाजे को अच्छे से बंद करती है जब माँ चली जाती हैं. तो मेरी शी मस्ट हैव फॉरगॉटन टू क्लोज द डोर, क्लोज इट टुडे. लुकिंग अराउंड मे आई कीप माय अल्स्टर ऑन द पेग, इट्स क्वाइट वेट. तो मेरी पूछती है कि हो सकता है वो आज वो भूल गई हो, और देख करके इधर उधर कहती है कि मैं पैग पे, पैग क्या होता है जिस पे कपड़े टांगते हैं, क्या मैं उस पे अपनी रेनकोट टांग दूँ, काफ़ी गीला हुआ है. टिंकू क्यूरियसली, व्हाट इज़ अल्स्टर? टिंकू पूछती है कि अल्स्टर क्या होता है. मेरी कहती है आश्चर्य से, मेरा ओवरकोट, हैव यू नॉट हर्ड ऑफ द वर्ड बिफोर, क्या तुमने पहले कभी इसके बारे में सुना नहीं? टिंकू नॉट रियली, एनी वे आई मस्ट थैंक यू फॉर शोइंग माई आंट्स द वे होम दैट इवनिंग. तो टिंकू कहती है कि मैंने नहीं सुना है ये अल्स्टर. खैर ये बताओ, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरी आंट को रास्ता दिखाया, घर पहुँचने में उन्हें मदद हुई. और तुम्हें भी अंदर आना चाहिए था, एंड यू शुड हैव कम इन, यू नो ऑल ऑफ अस वुड हैव इंजॉयड आर सेल्फ, और हम लोग खूब मज़े करते हैं यहाँ पे. मेरी आई एम वेरी सॉरी, माय फादर वुड बी वेरी वरीड इफ़ आई डिड नॉट गेट होम इन द इवनिंग, ही इज़ अफ्रेड आई मे गेट लॉस्ट. तो कहती है मुझे खेद है कि मैं नहीं पहुँचती, मेरे पिताजी बहुत वरीड हो जाते हैं, यानी चिंतित हो जाते हैं अगर मैं घर नहीं पहुँचती हूँ शाम के वक्त, और उन्हें डर है कि मैं रास्ता ना खो दूँ. टिंकू हाउ कुड यू गेट लॉस्ट विद द शैडो अराउंड, तो तुम कैसे खो जाओगी शैडो जब तुम्हारे साथ रहता है? मेरी कहती है लाफिंगली, हंसते हुए, आई वोंट, बट डैडी सेज दैट इट इज़ वेरी ईजी टू लूज वंस वे इन दीज हिल्स लाइक योर आंट्स डिड द अदर डे. तो कहती है हंसते हुए, आई वोंट, पर पिताजी कहते हैं कि बहुत ही आसान है यहाँ पे रास्ता भटक जाना, जैसे कि तुम्हारी आंट ने उस दिन रास्ता भटक गई थी. आई थॉट एवरी वन ओके, थैंक गुडनेस दे मेट यू, बट वॉट इज योर फादर्स नेम? तो टिंकू पूछती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी हुई बात कि मेरी आंट तुम्हें मिल गई, तो तुमने उन्हें रास्ता दिखा दिया, वो लोग घर पहुंच गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? नो वन न्यू हु ही वॉज व्हेन आई सेड ही इज़ अ डॉक्टर हु विजिट्स हिज पेशेंट्स ऑन हॉर्सबैक. तो कह रही है कि किसी को नहीं पता था कि तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं जो कि पेशेंट्स को देखते हैं, और देखने के लिए कैसे जाते हैं, घोड़े पे सवार होकर जाते हैं. दे थॉट आई वॉज जोकिंग, और उनका वो सोच रहे थे कि मैं मजाक कर रही हूँ. मेरी आई थॉट एवरी वन न्यू हिम. तो
मेरी कहती है कि मैं तो सोचती थी कि सभी जानते हैं टिंकू, आई फॉरगॉट टू मेंशन ही इज़ ब्रिटिश, मे बी दैट इज़ वाई। तो टिंकू कहती है मैं भूल गई ये बताने के लिए कि वो ब्रिटिश थे, शायद इसी वजह से कोई नहीं जानता होगा। मेरी इंटरप्ट है, बट ही इज़ द ओनली डॉक्टर हियर। लेकिन मेरी उसकी बात को काट देती है बीच में और कहती है कि वो तो अकेला ही यहाँ पे डॉक्टर है टिंकू, लाफिंग मेरीली। तो टिंकू सुन करके हंसती है खुशी से, ओ नो मेरी, देर आर मैनी डॉक्टर्स इन दुलाईताल, देर इज़ डॉक्टर रावल, डॉक्टर बोस एंड। तो वो कहती है नहीं नहीं यहाँ तो कई डॉक्टर है दुलाईताल में, एक तो डॉक्टर रावल है, दूसरे डॉक्टर बोस है। और वो आगे कह रही थी तो मेरी बहुत जल्दी से बोलती है मेरी, टॉकिंग वेरी फास्ट, टिंकू डू यू वॉन्ट टू प्ले हॉपस्कॉच नाउ, क्या तुम हॉपस्कॉच खेलना चाहती हो? टिंकू इंटरेस्टेड सुन करके उसे काफ़ी इंटरेस्ट। टिंकू लाफिंग इंटरेस्टेड, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, विल यू टीच मी? तो टिंकू कहती है कि मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? मेरी चेयरफुली खुशी खुशी कहती है आई हैव अ पीस ऑफ चॉक इन माई पॉकेट, आई विल ड्रॉ द कोट इन दैट कॉर्नर ऑफ द कारपेट। तो खुशी खुशी वो बोलती है कि हाँ मेरे पास एक चॉक है मेरे पॉकेट में, मैं उस गेम की ड्राइंग बना देती हूँ इस कारपेट के कोने में। वी डोंट हैव अ फ्लैट स्टोन फॉर यूज़, डू यू हैव अ बॉबी पिन? तो उसको खेलने के लिए बिल्कुल फ्लैट पतले से स्टोन होता है, बिल्कुल एक पेबल की तरह जो कि फ्लैट होता है, तो हमारे पास तो नहीं है। क्या तुम्हारे पास बॉबी पिन है? बॉबी पिन जो होते हैं बच्चे बाल में लगाते हैं, बिल्कुल फ्लैट होता है। तो टिंकू कहती है नो कांट वी यूज़ एनीथिंग एल्स, क्या हम लोग और उसके लिए कुछ और नहीं इस्तेमाल कर सकते? मेरी कहती है, मेरी इट्स ऑल राइट यूज़ माइन, यू विल नीड इट फॉर थ्रोइंग। तो कहती है ठीक है मेरी इस्तेमाल करो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी उसे फेंकने के लिए। ओके भैया क्विकली ड्राइंग लार्ज स्क्वायर्स ऑन द मैरून कार्पेट, टेक द बॉबी पिन एंड थ्रो इट इन साइड द फर्स्ट स्क्वायर लाइक दिस, थ्रोज द पिन इन टू अ स्क्वायर। तो जल्दी से मेरी क्या करती है वो ड्राइंग बना देती है हॉपस्कॉच का और स्क्वायर्स बना देती है उसके बाद मैरून कारपेट पे, और बॉबी पिन को लेकर के एक खाने में फर्स्ट स्क्वायर में फेंकती है इस, और कहती है लाइक दिस, इस तरह से फेंकना है। द टू गर्ल्स स्टार्ट प्लेइंग अ लाइवली गेम, द रूम इज फिल्ड विद द साउंड ऑफ देयर लाफ्टर व्हेन शैडो सडनली बार्क्स सॉफ्टली एंड जंप्स अप इन द कॉर्नर, मेरी लुक्स एट हिम सरप्राइज्ड। तो दोनों लड़कियां खेलने लगती हैं और पूरा माहौल वहां का बिल्कुल खुशनुमा हो जाता है। तो द रूम इज़ फिल्ड विद साउंड ऑफ देयर लाफ्टर, उनके हंसने की आवाज़ गूंज रही होती है। एक बार के शैडो हल्की सी बाक करता है और अपने पंजे पे खड़ा हो जाता है। मेरी इधर उधर देखती है, चौंक जाती है, सरप्राइज हो जाती है मेरी, हियर द साउंड ऑफ हूफ्स, उसे क्या सुनाई देता है मेरी को? उसके घोड़े की चलने की उसके हूफ्स की आवाज़ सुनाई दे, ओह डैडी इज़ बैक फ्रॉम हिज विजिट्स, टिंकू आई मस्ट बी ऑफ, पुट्स द अल्स्टर ऑन, कम ऑन शैडो वी मस्ट रन। तो वो जल्दी से क्या करती है, कहती है मेरी कि पापा वापस आ गए हैं अपनी विजिट से, टिंकू आई मस्ट बी ऑफ, मुझे जाना होगा, अपनी जल्दी से अल्स्टर जो है पैर पे टांगी हुई होती है उसे लेती है और शैडो से कहती है चलो, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। टिंकू वेट, कॉल हिम एंड टेल हिम यू आर प्लेइंग विथ मी। तो टिंकू कहती है कि रुक जाओ, पापा को बुला लो और कहो कि तुम मेरे साथ खेल रही हो। मेरी वैनिशेज एंड विद शैडो एंड टिंकू कैन नॉट सी हर एनीवेयर। तो मेरी बिल्कुल गायब हो जाती है शैडो के साथ, टिंकू को उसे कहीं दिखाई नहीं देती। टिंकू ओके वी विल फिनिश द गेम द नेक्स्ट टाइम सिटिंग डाउन। तो टिंकू कहती है ठीक है अगली बार हम ये गेम को ख़त्म करेंगे। पारो विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर एंड कैन यू गेट मी अ मॉप टू वाइप दीज मडी मार्क्स। तो पारो से कहती है पारो क्या आप मुझे मॉप यानी कि पोछा ला कर दोगे, दरवाजे को बंद कर दीजिए और एक मॉप ला कर दीजिए ताकि मैं ये सारे निशान साफ कर चुकी। मडी मार्क्स, मडी मार्क्स मतलब मिट्टी के जो धब्बे पड़े निशान पड़े। पारो कॉल्स फ्रॉम द किचन,
पारो किचन में है, वहाँ से आवाज़ देती है, आई लॉक द डोर इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर अंकल एंड आंट लेफ्ट। तो पारो कहती है किचन से कि मैंने सुबह ही दरवाज़े को बंद किया था जैसे ही अंकल और आंटी निकले थे। वॉक्स इन टू टिंकूज रूम, और टिंकू के रूम में आती है। वॉट मडी मार्क्स आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सी मिट्टी के निशान के बारे में तुम बात कर रही हो। टिंकू पॉइंटिंग टू द कारपेट देयर, कारपेट की ओर दिखा कर कहती वहाँ। पारो देयर आर नो मार्क्स ऑन द कारपेट टिंकू लुक, कह रही टिंकू देखो कोई निशान नहीं। टिंकू स्टैंडिंग अप सरप्राइज खड़ी हो जाती है आश्चर्य के मारे, बट मेरी द शैडो मेरी एंड शैडो वर जस्ट स्टैंडिंग हियर एंड शी ड्रू द हॉपस्कॉच कोट देयर टू। लेकिन वो कहती है लेकिन मेरी और शैडो दोनों यहाँ आए थे और मेरी ने वो हॉपस्कॉच कोट भी बनाया था कारपेट पे। पारो कांडली, पारो प्यार से कहती यू मस्ट फॉलन अस्लीप पुअर थिंग, तो तुम सो गई होगी बेचारी। यू वर ड्रीमिंग, और तुम सपना देख रही हो। डू यू वॉन्ट सम जिंजर टी, क्या तुम्हें अदरक की चाय पीने की इच्छा हो रही है। टिंकू क्रॉसली, क्रॉसली मतलब गुस्से से, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मेरी वॉज हियर विद शैडो एंड शी गेव मी हर हैंडकरचीफ लुक। तो कह रही है गुस्से से कि देखो मैं सपना नहीं देख रही थी, यहाँ पे मेरी आई थी और उसने अपनी रुमाल मुझे दिया देखो। बट टिंकू कैन नॉट फाइंड द हैंडकरचीफ, लेकिन टिंकू को कोई रुमाल नहीं दिखाई देती। ओनली अ फेंट स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस लिंगर्स इन द एयर, लेकिन क्या वातावरण में क्या है, यूकेलिप्टस तेल की खुशबू आ रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं दिस इज द स्टोरी द एक्सट्रैक्ट ऑफ मेरी टिंकू एंड शैडो और पारो कम्स इन द एंड। सो दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम टिंकू एट दुलाईताल बाय स्वप्ना दत्ता। तो ये छोटा सा एपिसोड था किस तरह से टिंकू जो कि बीमार रहती है उसे उसकी फ्रेंड मेरी और शैडो उससे मिलने आते हैं। तो आई होप चिल्ड्रन यू लाइक द स्टोरी, थैंक यू वेरी, थैंक यू चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।